Hello everyone, welcome to Sangeeta Cooking Style. तो आज मैं आपके साथ शाही पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने यहाँ पे हाफ के जी पनीर लिया है और यहाँ पे मैंने चार बड़े पीसेस में टमाटर को कट कर लिया है और यहाँ पे मैंने चार प्याज को लिया है, उसे बड़े पीसेस में कट कर लिया है। ये हरा धनिया, ये कुछ खड़े मसाले हैं और यहाँ पर मैंने नारियल और मूँगफली को भिगो के रखा था। यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन अदरक और ये है पनीर मसाला। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रेडी कर ली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पनीर को पीसेस में कट कर लेते हैं। तो इसे बड़े बड़े पीसेस में ऐसे कट कर लेंगे। शाही पनीर में बड़े बड़े पीसेस ही अच्छे लगते हैं, तो इसे हम बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। तो ऐसे ही बड़े बड़े पीसेस में मैं सारे पनीर को पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पनीर को मैरिनेट करूँगी थोड़ा मसालों से। तो बहुत देर के लिए नहीं रखना है, बस 2 मिनट के लिए रखना है। तो यहाँ मैंने सारे पीसेस को कट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूँगी शाही पनीर मसाला। उसके बाद मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी इसके ऊपर से और थोड़ा सा फिर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो रेड चिली पाउडर भी कर सकते हैं, पर मुझे ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही। ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो मैंने सारे मसाले इसमें मिक्स कर लिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और ये मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जो मैं इसमें तड़के में डालूँगी, तो इसे ऐड कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे प्याज को ऐड कर दूँगी, तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो हमें इसका पेस्ट बनाना है इसलिए मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसे हम प्याज को भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए जब तक इसे हम भून लेंगे। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची भी कट की थी, उसे भी ऐड कर लेंगे, उसे भी साथ साथ भून लेंगे। तो यहाँ पे प्याज सॉफ्ट हो गई है, इसे 2 मिनट और भूनना है। थोड़ा सा और ये सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया है ऑलमोस्ट, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है ट्रांसपेरेंट। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद सेम ऑयल में यहाँ पे हम टमाटर को भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ अच्छे से मिक्स करते हुए इसे भून लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ टमाटर का भी कलर चेंज हो गया है और ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। इसे प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे और इसका प्योरी बना लेंगे। उसके बाद सेम ऑयल में मैंने पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो सारे पनीर को हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो ना भी फ्राई करें, आप शाही पनीर में तो इससे ऐसे ही पनीर अच्छा रहता है, पर मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई करूँगी। थोड़ा सा इस पे लाल चिट्ठे से आ जाए, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए जब तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ इसका कलर चेंज हो गया है और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ऐसे ही सारे पनीर को हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे सारे मसालों को ठंडा होने के बाद इसे हमने इसका प्योरी बना लिया है। तो यहाँ सेम ऑयल में मैं यहाँ पे जो मूँगफली और नारियल का पेस्ट था उसे ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे क्योंकि ये भुने हुए नहीं हैं।
और बाकी मसाले तो हमारे भुने हुए हैं तो इसे अच्छे से भून लेंगे हम। अच्छे से मिक्स करते हुए इसे बहुत अच्छे से कलर चेंज होने तक भून लेंगे। तो इसमें बहुत अच्छे से बॉयल भी आने लग गया है। उसके बाद हम यहाँ पे जो प्याज का प्यूरी था उसे भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका टेस्ट जो है वो बैलेंस कर ले, सारी चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे 2 मिनट बाद इसे भी हम टमाटर की प्यूरी जो हमने बना के रखी थी उसे भी ऐड करेंगे और उसे भी अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारों चीज़ों का फ्लेवर एक साथ मिक्स हो जाए। मैंने लिया है शाही पनीर मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला और ये धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो ये ड्राई मसाले हैं, इसे ऐड कर देते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से मसाले सारी चीज़ों में मिक्स हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। तो इसमें बॉयल आ गया, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसमें अच्छे से बॉयल आ गया और इस स्टेज पे हमें सॉल्ट ऐड कर देंगे एज पर टेस्ट, जितना आप लोग नमक सॉल्ट खाते हो। उसके बाद मैं बहुत अच्छे से बॉला या मलाई ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो भी टेस्ट स्पाइसी होगा तो ये मलाई इसको बैलेंस कर लेगी। तो यहाँ पे ये ग्रेवी, शाही पनीर की ग्रेवी रेडी हो गई है। उसके बाद हम यहाँ पे पनीर ऐड कर देंगे और गैस फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद गैस फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये शाही पनीर यहाँ पर रेडी हो गया है बंद करके। अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे, सर्व करेंगे। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसका कलर देख सकते हैं आप कितना अच्छा आया है, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनी है। शाही पनीर यहाँ पर रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। मलाई ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।